हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए छपन कैसे हैं आप लोग so, इस वीडियो में मैं आप लोग को दो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाला हूं जो आप सभी स्टूडेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा वीडियो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेलाइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है में दिया वीडियो का लिंक चेक उसे आपको समझ में आ जाएगा तो कल मैंने आप लोग को बता दिया था कि एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे अब एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे तो आपको पढ़ाई भी करनी होगी तैयारी भी करनी होगी लेकिन ऑफलाइन कोई भी क्लासेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन इग्नू हर दिन ऑनलाइन क्लासेस आप लोग के कंडक्ट करवा रहा है ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रीजनल सेंटर हैं उन सभी रीजनल सेंटर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट किए जा रहे हैं और उसका लिस्ट इग्नो डेली प्रोवाइड करवा रहा है मतलब हर दिन का लिस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है आप लोग को कि किस तरीके से आप लोग को क्लासेस करना है उसके लिए मैं डेली कम्युनिटी टैब पे सुबह सुबह आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर देता हूं जिससे आप लोग को लिस्ट पता चल जाता है कि आप लोग के क्लासेस कब होने वाले हैं कौन से सब्जेक्ट के होने वाले हैं और उसके लिए कौन सा ऐप आप लोग को इस्तेमाल करना होगा लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब भी मैं

हर दिन रात को ही लिस्ट तैयार कर देता है और उसके बाद से उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे देखो जैसे ट्वेंटी नाइन्थ में का यहाँ पे लिस्ट दिया गया उसी तरीका ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन में हर दिन का अभी नेक्स्ट थर्टी एथ में का भी लिस्ट आएगा तो उस तरीके से आप लोग डाउनलोड कर लोगे डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से लिस्ट आ जाएगा अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम जितने भी क्लासेस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं या तो गूगल मीट से या फिर जूम ऐप से अब जूम ऐप से कैसे करना है और गूगल मीट से कैसे क्लासेस ज्वाइन करना है उसको थोड़ा सा समझ लो ठीक है एक एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो अगर हमको गूगल मीट से आ, किसी स्टूडेंट का अगर रीजनल सेंटर गूगल मीट से क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पे टाइमिंग पता है सब्जेक्ट पता है कौन सा टाइम पे हो रहा है कौन सा डेट पे हो रहा है उसके बाद से आपको जस्ट गूगल मीट का ऐप इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर से लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया ठीक है डिस्क्रिप्शन का लिंक को फॉलो करके आप लोग गूगल मीट का ऐप को डाउनलोड कर लोगे जैसे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा ठीक है पे दो ऑप्शन मिलेगा आपको एक न्यू मीटिंग और एक मीटिंग कोड तो न्यू मीटिंग जो मीट डॉट गूगल डॉट कॉम पे जो कोड दिया गया है जस्ट इस कोड को कॉपी करना है और मीट कोड के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज जो आएगा वो इस तरीका से आएगा जहां पे आपको मीटिंग का कोड पुट करना है ठीक है तो बस इसको आप यहां से कॉपी करो और जो नेक्स्ट पेज है मीटिंग कोड इसके ऊपर पेस्ट करो ज्वाइन मीटिंग के ऊपर क्लिक करोगे क्लासेस में कर एज सिंपल इज डेट कोई रॉकेट साइंस नहीं है सिंपल है जैसे आपको ऐप इंस्टॉल करना है मीटिंग कोड के ऊपर क्लिक करना है मीटिंग कोड यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे पेस्ट करना है इससे ठीक है जो, जिसका भी जो भी क्लासेस होगा जितना भी टाइमिंग का होगा और टाइम को ध्यान में रखना ठीक है uh, किसी भी टाइम पे आप लोग करोगे तो नहीं होगा जिस टाइम पे जो क्लासेस हो रहा है उसी टाइम पे आप लोग अलार्म लगा लो ठीक है रिमाइंडर सेट कर लो उसके बाद से यहाँ पे मीटिंग कोड को पुट करोगे सबमिट करोगे ज्वाइन मीटिंग के ऊपर करोगे तो आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा और आप भी ज्वाइन कर पाओगे ठीक है ये हो गया गूगल मीट से दूसरा जो है वो है जूम जूम अब से कैसे करेंगे तो यहाँ पे जूम में बहुत से स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि हमको आईडी और पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहा जैसे देखो ये है जूम ऐप का इंटरफेस ठीक है जिस तरीके से आप लोग गूगल मीट्स को डाउनलोड किए उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में मैंने जूम ऐप का भी लिंक दे दिया है वहां से आप लोग डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर सकते हो जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा ठीक है इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे आपको बस ज्वाइन अ मीटिंग यहाँ पे आपको मीटिंग आईडी पुट करना होगा मीटिंग आईडी आपको कहाँ पे मैं एक भी एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है नंबर अहमदाबाद का ठीक है है तो यहाँ पे जो 73174 ये जो ये लिखा हुआ ना यही आपका आईडी है ठीक है तो यहाँ पे मैंने पुट किया सेवन थ्री वन सेवन फोर जीरो फोर सेवन फोर एट देखो यही है ठीक है जैसे ही ये मैं आईडी पुट करूंगा आईडी पुट करने के बाद से जब नेक्स्ट मैं सबमिट करूंगा यहाँ पे ज्वाइंट मीटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट पेज में बोला जाएगा मीटिंग पासवर्ड मीटिंग पासवर्ड आप लोग को यहीं पे दिया हुआ है देखो पीडब्ल्यूडी के बाद जो पासवर्ड दिया गया ना वही पासवर्ड है ठीक है पीडब्ल्यूडी के बाद जो पासवर्ड है उसी पासवर्ड को आप लोग को पुट कर देना है आप लोग ज्वाइन हो जाओगे बहुत सारा यहाँ पे लिंक में देखोगे कि पासवर्ड नहीं दिया गया है जब आप लोग जूम ऐप को यूज करोगे ना तो आप लोग को पता चलेगा वो जो क्रिएटर है यानी कि जो मीटिंग को कंडक्ट करा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पासवर्ड क्रिएट कर रहा है या नहीं बहुत जगह पे अगर उसको ज्यादा सिक्योर नहीं करना है अगर इस मीटिंग को तो वो पासवर्ड नहीं रखेगा तो डायरेक्ट आप लोग सिर्फ मीटिंग कोड पुट करोगे तो ज्वाइन हो जाओगे अगर पासवर्ड क्रिएट किया रहेगा तो वहां पे आपको नेक्स्ट स्क्रीन में पासवर्ड मांगेगा और बस पासवर्ड को आप लोग पुट करोगे तो हो जाएगा पासवर्ड कहां पे दिया हुआ है बस आईडी के पास में ही पीडब्ल्यू के बाद जो लिखा हुआ है वही आप लोग का पासवर्ड है ठीक है और कुछ कुछ जगह पे तो अलग सा लिख दिया गया है पासवर्ड आईडी और पासवर्ड अलग सा लिख दिया गया है जैसे यहाँ पे देखो दिल्ली थ्री का यहाँ पे जूम आईडी दिया गया है ये और उसके बाद से पासवर्ड दिया गया है ये तो बस इसको पुट करो उसके बाद से आप ज्वाइन हो जाओगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ कुछ जगह पे आपको आईडी लिखा हुआ है और पासवर्ड के लिए बोला गया है कि यहाँ पे मेल करने के लिए तो वहां से कर लोगे तभी हो जाएगा ठीक है तो समझ में आ गया आप लोगों को किस तरीके से क्लासेस करना है तो क्लासेस आपको करना होगा क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड क्लासेस हो रहे हैं बहुत अच्छा

है स्टूडेंट दिल्ली थ्री का ठीक है दस बजे सुबह से उनका क्लासेस होने वाला है तो बस आप अलार्म लगा के रख लो और यहां पे मीटिंग आईडी भी दिया हुआ है और पासवर्ड भी दिया हुआ है बस जूम ऐप को इंस्टॉल करो और वहां पे ज्वाइन मीटिंग के ऊपर क्लिक करो पासवर्ड डालो उसके बाद से ज्वाइन हो जाओ उसी तरीके से सेम से गोस्ट टू गूगल मीट्स भी जो मैंने बताया उस तरीके से करना होगा तो क्लासेस आप लोग कर लेना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत से स्टूडेंट डेली यही क्वेरीज कर रहे थे कि आप बता रहे हो डेली लिस्ट लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम लोग ज्वाइन करें ठीक है तो एज सिंपल इस डेस्ट सबके पास एंड्रॉइड फोन है आप लोग कर सकते हो लैपटॉप से भी करने की जरूरत नहीं है आप लोग चाहे तो मोबाइल से भी कर सकते हो लैपटॉप से भी कर सकते हो सबका सेम प्रोसीड्यूर है ठीक है उसके बाद से नेक्स्ट है रिवेल्यूशन को लेकर रिवेल्यूशन को लेकर आप लोग को पता होगा कि इग्नो ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें जिस दिन पहला दिन नोटिफिकेशन जारी किया था और अभी रिवाइज कर दिया गया उसमें ठीक है और वहां पे कुछ चेंजेस किया गया मैं आप को बता दूं ध्यान से देख लीजिएगा देखो ये जो पहला दिन जब मैंने वीडियो बनाया था उस वक्त एक अलग नोटिफिकेशन था और उसके बाद से नोटिफिकेशन को चेंज कर दिया गया अब ये नोटिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है देखो ये नोटिफिकेशन को अगर आप लोग वीडियो पॉज करके देखोगे तो यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी स्टूडेंट अगर चाहे रिवेल्यूशन के लिए अप्लाई करना तो वो पंद्रह जून तक अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ये समझ में आ गया सिंपल इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ कोई भी टर्म कंडीशन नहीं लिखा हुआ है कोई भी कर सकता है लेकिन जब रिवाइज नोटिफिकेशन हुआ तो वहां पर एक चीज ऐड कर दिया गया कि जिसका रिजल्ट बीस फेबरी या उसके बाद से डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर 20 लेकिन मैंने चेक किया तो बीस फेबर का भी जिसका रिजल्ट डिक्लेर हुआ है उनका भी अप्लाई हो रहा है सिर्फ उन्हीं का अप्लाई नहीं हो रहा है जिन, जिनका रिजल्ट नाइनटीन फेब को डिक्लेयर किया गया था ठीक है तो ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि इन्होंने नाइनटीन फेब के बच्चों को क्यों इग्नोर किया है या क्यों उनको छोड़ दिया है समझ में नहीं पता नहीं उनसे कोई सौतेला व्यवहार कर रहे हैं क्यों या उनसे कोई दुश्मनी है समझ में नहीं आ रहा लेकिन ये नोटिफिकेशन क्यों चेंज हुआ कि ट्वेंटी फेब से कर रहे हैं और नाइनटीन फेब के जितने भी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है उनका रिवेलुएशन uh, वो लोग नहीं कर सकते ये कन्फर्म हो गया मैंने पोर्टल पर भी चेक कर लिया मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ठीक है तो जितने भी स्टूडेंट अगर रिवेलुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उन्होंने बाई चांस नहीं किया था भूल गए थे तो मेक श्योर sure आपका रिजल्ट ट्वेंटी फेब या उसके बाद से अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होगा तब आप लोग रिवेलुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं नाइनटीन फेब को जिनका भी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया होगा तो वो नहीं कर सकते और मैं आपको बता

डिटेल सेल नहीं होगा देखो पहले तो वो भी हो रहा था अब ये भी नहीं हो रहा ठीक है और उसी तरीके से जैसे ही मैं कोई एक स्टूडेंट जिनका ट्वेंटी फेब को यहां पे देखो डिक्लेयर हुआ है इनका रिजल्ट तो मैं एम टू के लिए अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूं और जैसे मैं यहाँ पे रेवेलेशन के लिए क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक अलग सा शो करने लगेगा लास्ट डेट एक्सटेंडेड टिल फिफ्टीन जून और यहाँ पे अमाउंट और लास्ट डेट फॉर अपलाइंग यहाँ पे शो कर रहा है ठीक है नाइनटीन जून शो कर रहा है हालांकि फिफ्टीन जून तक लास्ट डेट है यहाँ पे शो कर रहा है उसके बाद से मैं एड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो हो जाएगा उसके बाद से फिर मैं जब सेव पेमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जा रहा है Again, अभी यहां पे लॉग आउट हो गया लेकिन नेक्स्ट पेज पे चला जा रहा है लेकिन वही अगर किसी का नाइनटीन फेब को अगर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया यहाँ पे देखो नाइनटीन फेफ किया गया है तो इनका मैं अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूं तो यहां पे कुछ भी नहीं कर, हो रहा है एड रिक्वेस्ट भी नहीं हो रहा है और पेमेंट भी नहीं हो रहा है ठीक है तो इस तरीके से आप लोग देख लो कि जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग भी ट्राई करके देखना मैंने बहुत पहले से लॉग इन करके देख रखा था इसे यहां पे एक्सपायर हो गया खैर कोई बात नहीं लेकिन वो नहीं हो रहा ठीक है आप लोगों ने देख लिया तो इस तरीका से आप लोग भी देख लो जिन्होंने जिनका रिजल्ट ट्वेंटी फेब या उसके बाद से अगर हुआ होगा

बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हो रहे हैं और आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है